नमस्कार, मैं श्रीमती मधु कुशवाहा, PTI हायर सेकेंडरी स्कूल लिमरुआ, जिला मंडला से बोल रही हूँ। मैं आज बच्चों को, 17 वर्षीय बच्चों को कबड्डी के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। जो ये बच्चे हैं, गेम शुरू करने के पहले अपन कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। क्या है, बिना एक्सरसाइज के किसी भी गेम को खेलना, क्योंकि खेल के दौरान जो चोटें लग जाती हैं तो उन्हें लगने की संभावना नहीं होती है। प्रॉपर बॉडी को गर्म होना बहुत ज़रूरी है और हर गेम की अपनी एक अलग एक्सरसाइज होती है। तो हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कराते हैं, फिर उसके बाद गेम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा देखिए, कबड्डी गेम में 10 प्लेयर होते हैं और 3 एक्स्ट्रा होते हैं। 7 प्लेयर इन होते हैं और 3 अतिरिक्त खिलाड़ी जो होते हैं उन्हें हम इसलिए रखते हैं कि अगर मान लो ये 7 बच्चों को खेल के दौरान चोट लगती है तो इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब चेंज करके उस प्लेयर को चोट वाले फिर बाहर का एक्स्ट्रा प्लेयर अंदर डालते हैं। देखिए पोजीशन इधर से, इसमें जो 7 प्लेयर होते हैं उनकी पोजीशन ये होती है, 2 कॉर्नर होते हैं लेफ्ट और राइट, और 3 प्लेयर होते हैं वो सेंटर में होते हैं। तो सेंटर कॉर्नर का काम ये होता है कि जब वो प्लेयर अटैक करता है अपने ऊपर, तो सेंटर में अगर मान लो वो मार रहा है तो दोनों कॉर्नर की ड्यूटी ये होती है कि वो आके उस को पकड़े, उसे जाने ना दें। और सेंटर का ये होता है, अगर वो कॉर्नर में मार रहा है तो फिर सेंटर निकलेगा, लेफ्ट में मार रहा है मान लो वो लेफ्ट में मार रहा है तो हमारे यहाँ से ये अपना ये साइड का सेंटर निकलेगा। इसी प्रकार ये गेम चलता रहता है। और क्या है कि इसमें जो बॉयज का होता है वो 20x20 का होता है। अब अपन कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देखेंगे। तो ये खेल के बाद जब हमारी ब्लड सर्कुलेशन, जब खेलते हैं तो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और उसको हमें नॉर्मल करने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो इस प्रकार से।
अभिषेक अभिषेक Thank you so much.